मैं अभी जा रहा हूँ अपना कुर्ता पजामा लेने। भाई इतनी लूट मची हुई है ना मार्केट में, इतनी शर्म आती थी ब्लॉगिंग करते हुए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। भाई आज है 23rd of October संडे और मैं अभी जा रहा हूँ अपना कुर्ता पजामा लेने। कल दिवाली है तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुर्ता पजामा पहनूँ, भाई अच्छा लगेगा। मेरे जितने दोस्त हैं वो भी सब वही पहन रहे थे, और नमन हो गया जैसे। और मुझे कैनेडा में भी एक कुर्ता पजामा लेके जाना था, तो मैं सोच रहा हूँ मैं खरीद ही लेता हूँ। मम्मा के साथ जा रहा हूँ, सोच रहे कहाँ से लिया, चंडीगढ़ नहीं जा रहे, पंचकूला से ही लेंगे। मीना बाज़ार तो ऑप्शन है ही है, और भी एक दो जगह देख लेंगे, तो कुर्ता पजामा लेने चलते हैं। और भाई कल दिवाली है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो अभी पहले आप 11 सेक्टर आ गए हैं, 11 में देखते हैं। मीना बाज़ार तो ऑप्शन है ही, पहले 11 में देखते हैं यार मिल जाए बढ़िया, फिर ले लेंगे यहाँ से, नहीं तो मीना बाज़ार चलेंगे। और क्या, 11 में नहीं मिला कुर्ता पजामा, स्वैगर्स भी देखा, नरूला भी देख लिया, अब मीना बाज़ार ही जा रहे हैं। ऋत्विक से भी बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि मीना बाज़ार ही मिलेगा तेरे साइज़ का, 20 में तो मेरा साइज़ ही अवेलेबल नहीं है, तो अब मीना बाज़ार जा रहे हैं। भाई बहुत गर्मी है और बहुत रश भी है, अब अगर यहाँ नहीं मिला ना तो चंडीगढ़ ही जाना पड़ेगा। ट्राई करते हैं यहाँ पर साइज़ बढ़िया आ जाए। अभी पतले लोगों की ये दिक्कत होती है भाई, कुर्ता ठीक आ जाएगा जब पजामा फंस जाएगा, पजामा ठीक आएगा तो कुर्ता दिक्कत देगा। भाई मीना बाज़ार भी फेल है, मीना बाज़ार में भी मेरा कुर्ता पजामा नहीं मिला है। अब हम फाइनली चंडीगढ़ ही जा रहे हैं, वहीं से ही लग रहा है कि मिलेगा यार, टाइम वेस्ट किया भाई ऐसे इतना ज़्यादा। भाई 19 के पाली बाज़ार आए हैं, पार्किंग की भाई इतनी मारो मार है भाई, इतनी ज़्यादा, बाज़ार से भी कम से कम किलोमीटर दूर गाड़ी लगी तो जगह मिली है। अब तो चलते हैं अंदर, देखते हैं भाई यहाँ मिल जाए नहीं तो फिर 22 सेक्टर चंडीगढ़। और क्या, मेरा कुर्ता पजामा 19 के पालिका बाज़ार में से भी नहीं मिला है, और अब हम थक हार के वापस पंचकूला ही जा रहे हैं भाई, क्योंकि शाम हो रही है और यार छोटी दिवाली पे तो उसकी पूजा भी करनी है। सामान सामान कुछ नहीं लिया, और अभी यही है कि 11 में से जो यार एक पसंद आया हुआ था ना उसका थोड़ा बस फिटिंग में दिक्कत थी, वो मैं बाहर से ऑल्टर करा लूँगा, तो मैं वही वाला ले रहा हूँ भाई। अब इतना घूमने का टाइम नहीं है, कल भी दिवाली है, सारी शॉपिंग पेंडिंग है, अभी ऊपर से घर पर भी काम है, थोड़ा बुआ के भी जाना है, एक दो जगह और जाना है, तो अब सोच रहे हैं कि 11 में से बस कुर्ता पजामा लेके घर निकलूँगा। ऐसी अभी हेक्टिक है पूरा दिन आज का। भाई 7 सेक्टर आ चुके हैं अपना, यार थोड़ा बहुत मम्मा का सामान लेना था तो वो लेने आया है, और यार जो कुर्ता पजामा है ना भाई अब 11 में नहीं जा रहे यार, क्योंकि मम्मा बोल रहा है आउट ऑफ फिटिंग लेके कोई फायदा नहीं है, कल दिवाली है तो तू फिटिंग कहाँ कराएगा उसकी, एक बार 20 में गेड़ा मार लेंगे अगर मिल गया ठीक है, ये तो भाई फिर कुर्ते पजामे का प्लान कैंसिल है, क्योंकि आउट ऑफ फिटिंग कोई लेके यार फायदा नहीं है। 20 में बस एक बार रूपक पे देखूंगा, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अब दिवाली के बाद ही लूँगा, दिवाली पे फिर शर्ट और जीन्स ही पहन लूँगा, और ये ऑप्शन नहीं है यार। तो भाई मैंने 11 से ही कुर्ता पजामा ले लिया, भाई वो जो फिटिंग वाला इशू था ना वो हो गया था मेरा सॉल्व, तो मैंने 11 से ही ले लिया यार। काफ़ी मन है कि कल कुर्ता पजामा ही पहनूं, फिर इसलिए मैं कहा यार अब ले लेते हैं, चलो क्या मैं अब शर्ट जीन्स पहनूंगा, वैसे भी बड़े से वगैरह पे वही पहनते हैं, तो कुर्ता पजामा ले लिया भाई, काफ़ी बढ़िया है। अब मम्मा को नानी ने काम बोले थे, अब ऐसा हो नहीं सकता कि नानी ने काम बोला और मम्मा वो करे ना, तो मम्मा बस वही करने गया है भाई, बहुत ज़्यादा हेक्टिक था यार। और पता क्या होता है, एक ही चीज़ के लिए 4-4 घंटे घूमो ना भाई, वो मन ख़त्म हो जाता है, इसलिए लगिन रहा कि फेस्टिवल है, चलो कोई बात नहीं, मूड ख़राब क्यों करना है यार अपना, अब सीधा घर जा रहा हूँ यार। तो भाई अभी मैं घर तो आ चुका था यार कुर्ता पजामा लेके, भाई इतनी जल्दी है अभी बुआ के ना यार दिवाली देने जाना है, तो बुआ के निकल रहे हैं, फिर आके ब्लॉग एंड करूँगा, और आज घर को सजाना सजूना अभी है भाई, सारा डेकोरेशन वगैरह करनी है, सामान सामून लेके आना है अभी वापसी आते हुए, तो चलते हैं यार। वहाँ तो मैं इतना व्लॉग नहीं करूँगा भाई, क्योंकि वो यार सारे होते हैं तो मैं नहीं करता भाई, तो मैं देखता हूँ आके आपको दिखाऊंगा मैं डेकोरेशन वगैरह क्या लेके आया। तो गाइस मैं बुआ के घर से आ गया था, और भाई अभी मैं 20 की मार्केट आया हूँ, एक्टिवा लेके आया हूँ भाई, गाड़ी पे तो तुक नहीं बनता, इतना रश है आज तो यार। छोटी दिवाली है तो छोटी पूजा ही है, और भाई डेकोरेशन का सामान भी लेना है, गेंदे की फूल की माला लेनी है, और पत्तों की जो माला आती है वो भी लेनी है, तो दिए वगैरह लेते हैं और वो मालास वगैरह लेके घर चलते हैं, घर भी डेकोरेट करते हैं और पूजा भी करते हैं भाई, कल दिवाली में बहुत फन होने वाला है। नहीं पहले फूल वाले भैया मिल गए, तो फूल का रेट पूछ लेते हैं। भैया कैसे है गेंदे की फूल की माला?
कैसे माला? और पत्तों वाली भाई इतनी लूट मची हुई है ना, गेंदे की फूल की माला 40 रुपये की होगी है। मैं कभी आम दिनों में तो 25 की मिलती है, कहता अरे भाई जी आम दिन नहीं है ना, फिर त्यौहार है इसलिए हम 25 की नहीं 40 की देंगे। मैं कहा कोई नहीं, मैं आगे पूछता हूँ भाई, जिसके पास बल्क में होगी आप उससे लेंगे। देखते हैं 4-5 जगह से पहले पूछ लेना चाहिए, उसके बाद लेते हैं। देखो अब इनसे पूछते हैं कितने की है माला, कितने की है माला? माला तो 20 रुपये का है, पता कर लो। हाँ 20 की है वो वाली, कोई सा भी ले लो जिसमें से पता, उसमें से एक लड़ी 20 रुपये की वो वाली दिखाना भाई। बढ़िया भैया मिल गया, 20 की माला मिल रही है, 5 माला कर दो भाई। माला मूला हो गया, अब आप लेते हैं अपने दिए 12 से 36 दिए लेने हैं यार, कल के भी इकट्ठे ले लूँगा तो लेता हूँ भाई। एक टाइम होता था मार्केट में, इतनी शर्म आती थी ब्लॉगिंग करते हुए भाई, अब ऐसे है जो मर्जी कर लूँगा यार। पत्ते की माला रह गया, पत्ते की माला लेनी है, पर पहले पत्ते की माला लेते हैं, दिए जहाँ मिल गए सही है। मम्मा कह रहे कि पेंटेड वाले ले ले यार, बिना पेंटेड के अच्छे नहीं लगते, तो पेंटेड वाले ढूंढते हैं पहले, उसके बाद देखता हूँ भाई। बहुत रश है मार्केट में, शोर भी बहुत है भाई। माला वाला सारा सिस्टम हो गया, दोनों माला 20-20 रुपये की मिल चुकी है, ये मेरी माला। और अब रह गए, अब दियो का काम रह गया सिर्फ। भैया क्या रेट है दिए? 30 के 12 और 36 लेने हैं, 25 लगा दो, लगा देंगे, कर दो 36 दिए कर दो। ये भैया बहुत स्वीट है, भैया ने डिस्काउंट भी दे दिया, अब इन भैया के पास आ सकते हो डिस्काउंट लेने। ये मैंने बाकी सामान भी इन भैया से ले लिया है, मटकी थी, बड़े दिए थे, एक 4 मुख वाला दिया था, वो सब भी मैंने यहीं से ले लिया है। और अब कैंडल्स रहेगी और सरसों का तेल रह गया और बत्तियाँ रहेगी, बत्तियाँ तो भैया कह रहे हैं मैं दे दूंगा, बाकी सामान लेते हैं। माता जाकी पार्वती पिता महादेव, माता जाकी पार्वती पिता महादेव, लड्डुअन का भोग लगे संत करे से, जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता आपको ने। तो पूजा हो गई और अब मैं बाहर आ गया हूँ दियों को रखने सीढ़ियों में। भाई दिए रखते हैं अपना, अच्छी तरह से जाते हैं भाई अपने घर को। तो भाई अभी रात के 11 बज रहा और आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था, काफ़ी मज़ा भी आया, फाइनली मेरा कुर्ता पजामा आ गया भाई और पूजा वगैरह भी सब बढ़िया तरीके से सब कुछ हो गया भाई। कल है दिवाली, फुल ऑन मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। ऊपर से भाई अब मैं कनाडा चला जाऊँगा, पता नहीं कभी इंडिया में वापस दिवाली मना पाऊँगा, इसलिए और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। सारे दोस्तों से कल मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया फोटोज़ खींचेंगे, ठीक है, बढ़िया धूमधाम से दिवाली मनाएंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई। और यार आप लोग सोचते होंगे ना भाई कि इसके पास एक ही मतलब कौन है जहाँ पे शूट करता रहता है, यार वो एक्चुअली बात है 3 बेडरूम्स है, तो एक में दादा दादी, एक में मम्मा पापा, एक में मेरा भाई रहता है भाई। मेरे पास ऑप्शन है मैं उसके पास सो जाऊँ, लेकिन बात है मैं कई बार एडिटिंग करनी होती है, कई बार कुछ काम करना होता है, वो फिर चिड़चिड़ी करता रहता है सोने दे ये वो, तो मैं अपना ड्राइंग रूम के दीवान पर सो जाता हूँ। तो ये मेरा ड्राइंग रूम है जहाँ पर मैं ज़्यादा शूट करता हूँ, इस वजह से भाई मैं इधर ही ज़्यादा बैठा रहता हूँ, यही मेरा एक कोना है। तो गाइस अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, कल दिवाली धूमधाम से मनानी है, काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो अब व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले और भी व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में।